राकेश कुमार की JNI न्यूज पर इस वक्त की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। रहमत अहमद वालों सली अल्लाह रसूल अल्हामाबाद फौद अब्दुल बिल्ला की मेरे सितारे मस्जिद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा गुबान ना कहो, वो हमेशा का कयामत जिंदा है। हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह तुम्हारे को ताला का कयामत तक हुसैनी पाक के नाम पर जुलूस निकालते रहेंगे और मनाते रहेंगे। इसलिए शायर ने क्या फरमाया, कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है इस्लाम जिंदा होता है। हर कर भला के बाद 10वां मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया। इसमें HCL चौकी प्रभारी टीम ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद लड्डन, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद जावेद, चांद बाबू, जाकिर अली, मोहम्मद अमन भारी संख्या में लोग यहां उपस्थित रहे। इसमें हिंदुस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हाफिज जी, जो आज कार्यक्रम हुआ इसके बारे में बताइए। محمد و نصلي على رسوله الكريم وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق رسول النبي الامين المتين الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وكونوا من الصادقين جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کہو وہ تا قیامت जिंदा है और जिंदा रहेंगे। इमाम हुसैन को मानने वाले जब तक रहेंगे तब तक हम इमाम हुसैन को मानते रहेंगे। और इमाम हुसैन को सिर्फ हम ही नहीं मानते, मेरे गैर मुस्लिम भाई भी मानते हैं। हमारे सिकनापुर के जो हिंदू नवासी हमारे भाई हैं वो भी इमाम हुसैन को मानते हैं। उनके नाम पर फातिहा कराते हैं, उनके नाम पर मजलिस कराते हैं। इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमा दिया, कसले कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है इस्लाम है जिंदा होता है। हर करबला के बाद नारे तकबीर।